अजमेर में फर्जी रसद अधिकारी बनकर राशन विक्रेताओं को धमकाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दरअसल राशन विक्रेताओं ने जीएसओ से इसकी शिकायत की है, जिन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति फोन करके रसद अधिकारी बताते हुए कार्रवाई की बात कर रहा है और कार्रवाई से बचने के लिए पैसों की डिमांड भी कर रहा है। इस मामले को डीएसओ ने गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस कप्तान कुंवर राशुदीप को पत्र लिखकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो फर्जी कॉल आ रहे थे उसके मामले में आज माननीय एसपी साहब को पत्र लिखा है कि फला फला नंबर से हमारे राशन डीलर को धमकाया जा रहा है, इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो हमने एसपी साहब लिखा है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट नंबर आए और अकाउंट नंबर दिए हम उनको, क्या मांग रहे हैं? वो राशन डीलर को धमका रहे हैं कि मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, सरकारी आदमी बन के धमका रहे हैं कि तुमने गड़बड़ की है, जबकि तुमने गड़बड़ की या नहीं क्यों, लेकिन उनको एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत हमने डिपार्टमेंट तरफ से पुलिस विभाग को